128 दिन पुराने नतीजों से बीजेपी ने बड़ी सीख ली। बीजेपी ने 30 टिकट बदले, 30 टिकट, ठीक है। पता लगा कि हालात ठीक नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से निकल जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, 30 टिकट बदलने पर 22 उसमें से कैंडिडेट जीत गए। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, सैनी को सीएम बनाया, सीएम बदलने का दाव कामयाब रहा। फिर राहुल गांधी जाति की बात करते रहे, लेकिन हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट इसे पूरे के पूरे मामले को बना दिया गया। यही फॉर्मूला बीजेपी के लिए काम कर गया। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार कामयाब और यह इतिहास है। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे रही, बीजेपी ने सीएम बदल दिया, हवा का रुख बदल दिया। कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने नौकरी और पेंशन का वादा और खर्चा पर्चा और वो खर्ची पर्ची की जो बात थी उसके बगैर नौकरी देने का रिकॉर्ड जो है वो दिखा दिया। कांग्रेस पूरे देश में दलित का मुद्दा उठा रही थी, याद है आपको। हरियाणा में दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट इनफैक्ट बढ़ गया। यानी राहुल गांधी ने जिन रणनीतियों पर, स्ट्रैटेजी पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की वो सब के सब उल्टे पड़ गए। जो चक्रव्यूह रचने की कोशिश की उस चक्रव्यूह में कांग्रेस जो है वो खुद ही फंस गई। और बीजेपी के कोर्स करेक्शन का नतीजा ये रहा कि सपने में शायद बीजेपी ने भी ना सोचा हो उसे वो जीत मिल गई। हरियाणा में 2014 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। जम्मू कश्मीर पहुंची, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। सो मच सो कि बीजेपी वोट प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी वहां बन गई है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पछाड़ दिया। 25.54% वोट मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43%। सीटों की संख्या के लिहाज से बीजेपी को 2014 के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है। 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी को 29 सीटें हासिल हुई। इसके साथ ही हरियाणा में जिन तीन मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, क्या था, फिर याद दिला दूं, किसान था, पहलवान था और जवान था। किसान, पहलवान, जवान, बीजेपी को इस पर घेरने की कोशिश हुई। नतीजा क्या हुआ आपको दिखा देती हूं, फिर फैक्ट्स के आधार पर। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर कहां पर रहा, जीटी बेल्ट रोड, बॉर्डर वाला पूरा इलाका, क्योंकि इसी सड़क के रास्ते किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। बीजेपी ने इस बेल्ट पर पड़ने वाले 28 में से 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है और ये इलाका हमेशा से उसका गढ़ भी रहा है। पहलवानों के मुद्दे पर आ जाइए, चरखी दादरी जिला, जहां भारत में महिला पहलवानों को पहचान दिलाने वाली फोगाट फैमिली जो है वो रहती है, वहां की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अग्निवीर, हरियाणा में सबसे ज्यादा फौज अगर कहीं से निकलती है, जिस जिले से निकलती है, युवा भर्ती जिस जिले से होते हैं वो रेवाड़ी जिला है। अभी भी करीब 25,000 सैनिक रेवाड़ी जिले के जो है वो भारतीय फौज में है। हर जिले की 3 सीटें इस जिले की बीजेपी ने हासिल की है। नैरेटिव और हकीकत में फर्क आपको दिख जाएगा और इसी फर्क को बीजेपी ने समझा 128 दिनों के कोर्स करेक्शन करके, कांग्रेस की रणनीति को अपने फायदे में तब्दील करके, ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसे करके आज वो जीत हासिल। अब ये कहा जाने लगा है कि जो मैनेजमेंट बीजेपी ने हरियाणा से हासिल किया है या जो एहसास उसने हासिल किया है वो बस झांकी है, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। इसकी वानगी आज महाराष्ट्र के लिए योजना के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखा भी। पीएम आज कांग्रेस को समाज में बंटवारे की कोशिश का सीधा आरोप लगाकर घेर रहे थे और ये आरोप क्यों लगाया, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति पर भाषण दे रहे हैं। पीएम ने जिस अंदाज में आज कांग्रेस को निशाने पर लिया उससे साफ है कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए जो मोमेंटम बीजेपी को चाहिए था वो इसे आज मिल गया है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की नीति ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। और इस पर बहस करने के लिए कोई पॉलिटिकल मेहमान हमने नहीं बुलाया है, वो लोग जो राजनीति को बहुत बारीकी से और थोड़ा दूर से देखते और समझते हैं वो आपको समझाएंगे, क्योंकि असल बातें वहीं से निकल कर आएगी। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज।